वेल हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ बॉलीवुड दिस वीक। मैं मोहम्मद अंसारी, आप सभी लोगों का फारूक कबीर रिव्यू जामवाल की फिल्म खुदाफिज द्वितीय यानी खुदाफिज चैप्टर टू अग्नि परीक्षा के डे नंबर थ्री के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन प्रेडिक्शन, ऑडियंस ऑक्यूपेंसी एंड शो काउंट एपिसोड में तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूँ। क्या हो रहा है मेरा भाई, खुदाफिज चैप्टर टू। बात करेगा इसके कलेक्शन की तो पहले दिन रिवाइज फिगर्स आ चुके हैं। इस फिल्म ने 1.25 नहीं बल्कि 1.30 करोड़ की कमाई की है। कल मंडे प्रोड्यूसर्स डेफिनेटली से कलेक्शंस देंगे एंड दूसरे दिन इस फिल्म ने 1.75 करोड़ की कमाई की यानी कि 1.75। इसी के साथ खुदाफिज चैप्टर टू ने अपने दो दिनों में 3.05 यानी कि 3.05 करोड़ की जो कमाई है वो यहां पर कर ली है। ओवरसीज फिगर्स जो है फिल्म के रिपोर्ट नहीं किए गए हैं। एंड अब द ऑल इंपॉर्टेंट संडे विद यू जमवाल अजगर डी गैलेक्सी आए, मैसिव फैन फॉलोइंग्स, वो फैन फॉलोइंग जो खरीदी नहीं जा सकती, वो फैन फॉलोइंग जो ऑर्गेनिक होती है, वो फैन फॉलोइंग जिसके लिए जितने भी स्टार किड्स है वो तड़पते हैं लेकिन जब वो आते हैं पहले से यहाँ पर भीड़ जमा करके रख दी जाती है। लेकिन जब अब विद्युत जमवाल जैसा स्टार या कार्तिक आर्यन जैसा स्टार आता है, पब्लिक ऑटोमेटिक जो इनको चाहती है, जो वाकई में फिल्मों की टिकटें खरीद कर आती है, वो इनके स्वागत में वहां पर खड़े हो जाती है। दिस इज कॉल्ड एब्सोल्यूट ऑर्गेनिक स्टार पुल। अनफॉर्चुनेटली इस तरह का स्टार पुल अगर हर एक सिनेमा घर में देखने मिलता तो आज ये फिल्म इस तरह के कलेक्शन ना करते हुए एक बहुत ही बाप लेवल के कलेक्शंस करती। लेकिन ऑल सेड एंड डन, आज बकरी ईद का दिन था, मैसिव ऑक्यूपेंसी देखने मिली स्पेशली गेटियन गैलेक्सी में। एंड गाइस, जो ऑक्यूपेंसी में जंप मिला है मैसिव, ये एक अच्छी फिल्म है, उम्मीद लगा सकते हैं मंडे से लोग जागे एंड इस फिल्म को जाकर थिएटर्स में जाकर देखे। बात करें मॉर्निंग शोज की तो आज 8% की ऑक्यूपेंसी थी, आफ्टरनून में 14%, लेकिन जैसे जैसे दोपहर गई एंड शाम शुरू हुआ इवनिंग ऑक्यूपेंसी 28% एंड रात के शोज फिलहाल 31% पे चल रहे हैं। इट इज एब्सोल्युटली ब्रिलियंट फॉर खुदाफिज चैप्टर टू। मुंबई की बात करूं, 326 शोज में ओवरऑल ऑक्यूपेंसी 20% की थी, काफी डिसेंट कहूंगा। दिल्ली एनसीआर की बात करूं गाइस, 311 शोज थे, ऑक्यूपेंसी 17% की थी। बात करूं पुणे की तो 127 शोज में ऑक्यूपेंसी यहां पर 12% की थी। बेंगलुरु की बात करूं, 112 शोज में यहां पर ऑक्यूपेंसी 11% की थी। बात करें गाइस हैदराबाद की तो हैदराबाद में 97 शोज थे, यहां पर ऑक्यूपेंसी 14% की थी। कोलकाता की बात करें तो ऑक्यूपेंसी काफी इंकरेजिंग थी, 121 शोज में 17% की ऑक्यूपेंसी थी। अहमदाबाद रोज अप टुडे 169 शोज में 35% ऑक्यूपेंसी। चेन्नई में 26 शोज में 55% की ऑक्यूपेंसी थी। बात करूं सूरत की, सूरत में 82 शोज में 33% ऑक्यूपेंसी। जयपुर की बात करूं 55 शोज में 18%। चंडीगढ़ की बात करूं 27 शोज में 39%। बात करेगा यहाँ पे एलकेओ लखनऊ जहां पे फिल्म की शूटिंग हुई है, 65 शोज में 42। कल ये पिक्चर 3% थी लखनऊ में, मैक्स टू मैक्स 4-5 गई एंड 7 गई एंड आज 40% की ऑक्यूपेंसी है। इसी के साथ माय प्रेडिक्शन फॉर खुदाफिज चैप्टर टू ऑन इट्स ऑल इम्पोर्टेंट डे थ्री इज 2.20 टू 2.40 करोड़। एंड ऐसा होता है तो ये फिल्म कहीं ना कहीं तीन दिनों में 5.25 यानी कि 5.25 करोड़ कमा सकती है। लेट्स सी गाइस मंडे क्या होता है इस फिल्म के साथ, ये तो वक्त ही बताएगा। आपको अपना सपोर्ट जाकर इसको नर्दन सिनेमा घरों में पहुंचाना है। बहुत ही इंकरेजिंग जंप मिला है इस फिल्म को, जो उम्मीद की जा रही थी जनता से, वो जनता यहाँ पर इस फिल्म को जंप देते हुए दिखाई दे रही है। लेट्स सी गाइस मंडे क्या फ्राइडे जितना होता है, क्या ऑडियंस इसको मंडे को और बढ़ चढ़कर सपोर्ट करती है, वो कॉलेज क्राउड वापस से मंडे आकर इसे सपोर्ट करता है नहीं करता, ये हफ्ता काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। बने रहिए, सो पसंद आए प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं अमन अंसारी साइनिंग ऑफ, यू गोना सी मी वेरी सून। टिल देन एज ऑलवेज स्टे कूल मैन।